फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे लांचे यूपी का टॉप वन टक्स ब्लाउज किस तरह से सीते हैं। ये हमारे लांचे यूपी का ब्लाउज के ऊपर का कपड़ा है, नेट का। हम इसके अस्तर पहले कट करेंगे। अस्तर पे हम नाप डाल लेंगे। लंबाई लेना है हमें 15 इंच। इसकी विड्थ लेंगे हम 10 इंच। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच पर। हमें गले की चौड़ाई लेना है। यहाँ से 6 इंच लेंगे हम गले की लंबाई। नीचे से हमें 2.5 लेना है। कैनवास पर हमें गला कट करेंगे। 3.5 शोल्डर लेना है। आर्म होल लेंगे 6 इंच। 6.5 भी ले सकते हैं आप। 6.5 पहले बैक का पीस हम कट कर लेंगे। यहाँ से 2 इंच का शेप लीजिए। अब हम बैक का पीस दूसरे कपड़े पर रखकर फ्रंट का पीस कट करेंगे। वन टक्स के लिए हमें यहाँ से 1 इंच की चौड़ाई बढ़ाना है और यहाँ से 2 इंच बढ़ाना है। इस तरह से हमें क्रॉस में लाइनिंग लगाना है ताकि हम प्लेट्स ले सके अच्छी। अब हम सामने के पीस की कटिंग कर देंगे। ये अस्तीन है हमारे, हमें इसके अंदर शॉर्ट अस्तीन लगाएंगे। अस्तीन की हमें कटिंग कर लेनी चाहिए। यहाँ से 7.5 लेंगे, चौड़ाई लेंगे 9.5 ताकि अच्छे से हम गोलाई में बिठा सके। यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्किंग लेना है। ये हम अस्तीन कट कर देंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग किस तरह से करते हैं वो सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए स्टिचिंग शुरू करते हैं। हम ये वाले पीस को हमें अस्तर लगाना है और हमें टक्स ले लेंगे। हम
यहाँ से 1 इंच गेन कर लीजिए। एक इंच पे क्रॉस निशान डालिए, यहां से शुरू कीजिए प्लेट लेना। हाँ, ये टक्स लगाते हैं। टक्स हमें 1 इंच पर लेना है। यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग कीजिए, ऊपर से 10 इंच भी हमें निशान लगाना है। जी हम टक्स लगा चुके हैं, अब हम इसे अस्तर लगाएंगे। अस्तर को उल्टा रखना है हमें। उल्टा रखकर सिलाई लगाना है। अब हम ये वाले कपड़े को ऊपर के कट कर लेंगे। अब हम इसे पलटा कर सिलाई लगाएंगे। अब हमें कफ्स लगाना है। कफ्स हम टक्स के नीचे रखकर अटैच करेंगे। इसके बीचों बीच हमें 2.5 इंच की मार्किंग करना है। इधर से 2.5 इंच लेना है और फिर हमें इधर से भी 2.5 इंच लेना है। ये दोनों के बीच में 5 इंच का हमें फासला रखना चाहिए। अब हम इसे कफ्स अटैच कर लेंगे। कप्स को खाली आप टाका भी लगा दिए तो बेहतर रहेगा, वरना सिलाई लगाए तो वो सही उसकी फिनिशिंग नहीं आती है। अब हम इसे कप्स अटैच कर चुके हैं। दोनों कप्स हमने इसे लगा दिया है। अब हम ये साइड वाली सिलाई लगा देंगे, उसके बाद स्टीम लगाएंगे।
ये वाले पीस को भी हमें सिलाई लगाना है अच्छे से। अब हमें ये अस्तर पे भी टक्स लगाना है पलटा का। यहाँ से 1 इंच लीजिए, यहाँ से लेकर अब हम ये नीचे वाली सिलाई लगा देंगे। अब हम शोल्डर जोड़ लेंगे। हम इसके बीचे बीच एक टर्न टप लगाते हैं सीन लगाने के लिए। इसी तरह से टचअप करके हमें यहाँ से अटैच करना है सीन को। हमने आस्तीन अटैच कर दिया है, अभी हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगाना है। पांच इंच पे हम आस्तीन की फिटिंग लगाएंगे। यहाँ पे 2 इंच पे हमें फिटिंग का निशान लगाना है। हमें 2 इंच का मायका ज़्यादा लिया था। यहाँ से हमें फिर वापस जाना है, इधर हमें जीप लगाना है। अब हमें जीप लगाने के लिए इस तरह से मोड़ना है, जिस तरह से हम शॉप को मोड़ते हैं उसी तरह से हमें मोड़ना है इसे अच्छे से और सिलाई लगाना है। अब हम इस तरह से पलटा कर लेंगे। अब
इधर से भी इसी तरह से पलटा करा, सिलाई लगाइए। अब हमें जीव लगाना है इसके। ये देखिए ये जो हमने अभी तैयार किया है, इस जीव को इस तरह से रखेंगे और फिर इसे अटैच करेंगे, सिलाई लगाएंगे इसे। हमें इसी तरह से लगाना है सिलाई, इस तरह से रखिए ताकि ये नजर ना आए। ये हमारे लांची का जो टॉप है, इसका हमें वन टच ब्लाउज सीना है, बीच में से कट कर देंगे। ये वाले पीस को अस्तर लगाना है।